दोस्तों किसी वक्त 1998 में जब रतन टाटा ने कम्प्लीटली मेड इन इंडिया कार यानी कि इंडिका लॉन्च की थी तो उस समय वो कार जो है अपने लो सेफ्टी फीचर्स के चलते काफी ज्यादा डिफेम हो गई थी, जिस चलते 1999 में रतन टाटा को टाटा मोटर्स कार कंपनी को बेचने के लिए फोर्ड कंपनी के पास तक जाना पड़ा था। लेकिन टाटा कार कंपनी तो नहीं बिकी, लेकिन उसके विपरीत 2008 में टाटा कंपनी ने फोर्ड कंपनी की सब्सिडियरी यानी कि लैंड रोवर और जैगवार को एक्वायर कर दिया था। लेकिन फिर भी टाटा कंपनी उतनी ज्यादा बेहतर स्थिति में नहीं थी, क्योंकि 2008 से 2009 के बीच में जब टाटा कंपनी ने नैनो कार लॉन्च की थी उसमें चलती गाड़ी में आग लगने के कारण और उसकी जो लो बम्पर लेंथ थी उसकी वजह से जो नैनो कार है वो फ्रंट पैसेंजर और ड्राइवर के लिए काफी ज्यादा डेंजरस थी, जिस चलते लोगों का जो टाटा कार पैसेंजर्स पर विश्वास था वो काफी ज्यादा कम हो गया था, इवन आप कह सकते हो कि लगभग खत्म ही हो चुका था। लेकिन फिर दौर आता है वर्ष 2015-16 का, जब टाटा कार कंपनी ने अपने एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए, लैंड रोवर और जैगवार के जो इंजीनियर्स हैं उनको टाटा कंपनी में इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया और जो लैंड रोवर कार की जो चेसी है उसे अपने टाटा कंपनी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिस चलते टाटा कार कंपनी की जो क्वालिटी है पैसेंजर कार की और परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हुई और उसके साथ साथ जो है टाटा कार्स की डिजाइंस और लुक में भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुए। अगर आज के समय में बात करें तो इस समय टाटा की जो कार्स है वो अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट लुकिंग कार्स है। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की टॉप 5 सेफेस्ट कार के बारे में। तो ये टॉप 5 की जो लिस्ट है वो हमने एनकैप यानी कि न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के सेफ्टी फीचर वेबसाइट से ली हुई है। तो जब भी दुनिया में आप किसी भी कार कंपनी की सेफ्टी फीचर्स की बात करते हो तो उस केस में एनकैप की जो रेटिंग्स है उसे ही बेस माना जाता है। तो चलिए दोस्तों अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5 पर आती है वॉक्सवैगन पोलो। ये वॉक्सवैगन की एकमात्र ऐसी कार है जो कि टॉप 10 सेफेस्ट कार की लिस्ट में शामिल है और नंबर 5 पर आती है। इस टॉप 5 की लिस्ट में आई थिंक यही सबसे पुरानी कार का मॉडल है जो कि सेफ्टी फीचर में नंबर 5 पर आता है और काफी लंबे समय से लोगों की पसंद भी बनी हुई है। ड्राइवर सेफ्टी में इस कार को ग्लोबल एनकैप ने आउट ऑफ 5/4 रेटिंग दी हुई है जो कि काफी ज्यादा बेहतर है और इसमें फ्रंट सीट सेफ्टी के लिए 2 एयरबैग्स भी इंस्टॉल किए गए हैं। वहीं पैसेंजर सेफ्टी के हिसाब से इसे आउट ऑफ 5 3 स्टार्स दिए गए हैं। इस टॉप 5 की लिस्ट में जितनी भी कार्स को इंक्लूड किया गया है उन्हें पैसेंजर सेफ्टी में लगभग 3 स्टार्स ही मिले हुए हैं। इंडियन मार्केट में इस कार की कीमत तकरीबन 6 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में है। नंबर 4 पर आती है टाटा टिगोर और टाटा टियागो। फ्रंट पैसेंजर सेफ्टी के लिए इस कार में 2 एयरबैग्स इंस्टॉल किए गए हैं और ड्राइवर सेफ्टी के हिसाब से इसे आउट ऑफ 5 4 स्टार्स मिले हुए हैं, जबकि पैसेंजर सेफ्टी में इसे भी आउट ऑफ 5 3 स्टार ही दिए गए हैं। ये यहाँ पर आप कुछ टेस्ट सैंपल भी देख सकते हो जो कि एनकैप द्वारा किए गए हैं और उसके साथ साथ ही आप यहाँ पर कुछ रियल लाइफ सैंपल भी देख सकते हो जहाँ पर कि एक्सीडेंट में पैसेंजर सीट को और ड्राइवर साइड को कुछ ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है। वहीं जो ये दूसरी तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हो ये 100 किलोमीटर से भी अधिक की स्पीड में टियागो ड्राइव कर रही थी और ड्राइवर की लापरवाही के चलते ये पलट गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें पैसेंजर और ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ था। नंबर 3 पर आती है अगेन टाटा की एक और कार यानी कि नेक्सॉन। अगर एयरबैग्स की बात करें तो इस टॉप 5 की जो भी लिस्ट है इसमें जितनी भी कार शामिल है उनमें मिनिमम 2 एयरबैग्स मौजूद है, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि नेक्सॉन जो कि काफी ज्यादा स्टाइलिश दिखने वाली हैचबैक है तो 2018 पुराने मॉडल में ड्राइवर सेफ्टी के हिसाब से इसे आउट ऑफ 5 4 स्टार्स दिए गए हैं, जबकि न्यू मॉडल में आफ्टर 2018 वाले जितने भी मॉडल्स हैं उसमें नेक्सॉन को ड्राइवर सेफ्टी के लिए आउट ऑफ 5 5 स्टार की रेटिंग दी गई है, जबकि पैसेंजर सेफ्टी में इसे आउट ऑफ 5 3 स्टार्स ही दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप ये कुछ एनकैप के टेस्टिंग सैंपल्स शॉट भी देख सकते हो जिन्हें की डिफरेंट लेवल पर टेस्ट किया गया है और वहीं आप ये कुछ रियल लाइफ एक्सीडेंट के इमेजेस भी देख सकते हो और उसमें आप देख सकते हो कि नेक्सॉन की जो कंडीशन है एक्सीडेंट के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। वंस अगेन ऑन नंबर 2 यहाँ पर टाटा की एक अनदर कार आती है यानी कि टाटा एल्ट्रोज। इसकी कीमत तकरीबन 5.5 से 6.5 लाख रुपए के बीच में है और अपने सेगमेंट में इस समय ये एल्ट्रोज सबसे ज़्यादा बेस्ट और बेस्ट फीचर्ड कार है, फिर चाहे वो स्टाइलिश की बात हो या फिर फीचर्स की या फिर लुक वाइज या फिर डिजाइन की, और सेफ्टी के मामले में तो वैसे भी ये नंबर 2 पर है। इवन इस सेगमेंट में आने वाली दूसरी कार जो है टॉप 10 की लिस्ट में भी शामिल नहीं है सेफ्टी के मामले में। ड्राइवर सेफ्टी फीचर्स के मामले में इसे आउट ऑफ 5 5 स्टार की रेटिंग दी गई है, जबकि पैसेंजर सेफ्टी में इसे भी आउट ऑफ 5 3 स्टार की ही रेटिंग दी गई है। तो यहाँ पर आप इस कार के कुछ टेस्टिंग सैंपल्स देख सकते हो जो कि एनकैप द्वारा ही किए गए हैं, आप इन्हें डिफरेंट लेवल पर उनके टेस्टिंग सैंपल्स को देख सकते हो।
टेस्टिंग के दौरान इसकी जो स्टेबिलिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी। वहीं मुकाबले में अगर आप स्विफ्ट और स्विफ्ट डिज़ायर देखेंगे मारुति सुजुकी की, तो उनकी जो स्टेबिलिटी है एक्सीडेंट के दौरान वो बिल्कुल ही ना के बराबर है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप कुछ रियल लाइफ एक्सीडेंट के कुछ ये फोटोज़ भी देख सकते हो और उसमें आप इस कार को हुए डैमेज को भी देख सकते हो। वहीं नंबर एक पर आती है अनदर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कार यानी कि महिंद्रा की XUV 300। ये एक मिनी SUV है। वैसे बहुत से लोग मैंने देखा है कि वो Hyundai Creta खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि अगर आप सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से कंपेयर करें तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यानी कि पहले अगर आपकी जान रहेगी तभी तो फीचर आपके काम आएंगे किसी भी गाड़ी के। वैसे भी लुक वाइज अगर आप देखें तो महिंद्रा की XUV 300 काफ़ी ज़्यादा बेहतर है क्रेटा के मुकाबले। ड्राइवर सेफ्टी में इसे आउट ऑफ 5 की रेटिंग दी गई है, लेकिन यहाँ पर बेस्ट बात यह है कि इस टॉप 5 की लिस्ट में केवल एकमात्र यही कार है जिसे कि पैसेंजर सेफ्टी में आउट ऑफ 5 4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। तो वही वजह है कि ये इस लिस्ट में नंबर एक पर है। तो यहाँ पर आप ये कुछ सैंपल टेस्ट देख सकते हो जो कि XUV 300 के NCAP द्वारा किए गए हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर आप कुछ रियल लाइफ एक्सीडेंट की इमेजेस भी देख सकते हो कि कार को कितनी ज़्यादा डैमेज हुई है या फिर ये कितनी ज़्यादा बेहतर स्थिति में है एक्सीडेंट के बावजूद भी। इंडियन मार्केट में इस कार की जो कीमत है वो तकरीबन 8 से 12 लाख रुपए के बीच में है। तो अगर यहाँ पर मैं टॉप 10 सेफेस्ट कार की बात करूँ तो यहाँ पर उनमें से 5 कार तो केवल टाटा कंपनी की ही शुमार है उस लिस्ट में, और महिंद्रा की 2 कार और टोयोटा सुजुकी और वॉक्सवैगन की केवल एक एक कार उस टॉप 10 सेफेस्ट कार की लिस्ट में शामिल है। तो दोस्तों आप लोगों के पास कौन सी कार है और आप लोगों के पास जो कार है क्या आपको मालूम है कि सेफेस्ट फीचर्स के मामले में सेफ्टी फीचर के मामले में उसकी क्या रैंकिंग है? तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और क्या आपकी फेवरेट कार कोई इन्हीं टॉप 5 लिस्ट में से कोई एक है तो वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।